छोड़ दे मेरे दोस्त को, मैं दे दूंगा तेरे सारे पैसे। अरे डमरू। हाँ भैया। छोड़ का बर्तन ही क्या होता सी एच ओ हड्डी होता है भैया, वही तो कर रहा हूँ। देवी 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 माँ माँ देवी 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 बलम चाचा, देवी को देखा क्या? नहीं देखा मोहन। अकेले कहीं जाने, समझ में नहीं आता क्या? क्यों गई अकेला? भैया मैं तो बस यहीं पे साइकिल चला रही थी। यहीं पे क्या होता है? मैं तुझे तब से हर जगह ढूंढने जा रहा हूँ, जब मना किया था अकेले नहीं जाने तो समझ में नहीं आता है। भैया आपने मना किया था इसीलिए मैं कहीं नहीं जाती हूँ, लेकिन इसे दिन भर घर पे रहने से मुझे घुटन होती है। देख देख तुझे पता ना हमारे साथ क्या हुआ था, ये सोच के मैं बहुत घबरा जाता हूँ। आज तक मुझे उसको ख्वाब आता रहता है, अगर तुझे कुछ हो गया तो। भैया आप हो ना मेरे साथ, तो आपके रहते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? नहीं ना, क्यों इतना चिंता करती हूँ? अनिल, तुम्हें कोई गंध आ रहा है क्या?
आ तो रहा है। मैं आगे देखता हूँ। धीरज, रुको रुको, धीरज इस तरफ, संभालो संभालो अपने आप को। धीरज चेक करो। बॉडी में कोई हाथापाई का तो निशान नहीं है, लगता है किसी वेपन से डरा के रखा था और फिर गला घोट दिया। ये देखो गले में मार्क्स भी है और कपड़े का हालत देख के लगता है कि शायद जबरदस्ती भी किया गया है। मैं सर को इन्फॉर्म करता हूँ, तुम इसे संभालो। हेलो सर, उसने आते ही शुरू कर दिया। सेम सर, पहले जबरदस्ती फिर मर्डर। कोई एविडेंस? नो सर, ना कोई एविडेंस है ना कोई गवाह। बाजार में भी उनके डर से कोई मुंह खोलने को राजी नहीं है सर। उसके पति को किसी आदमी ने कहा कि डमरू को कुछ देर पहले उसने देखा था जंगल से बाजार की तरफ निकलते हुए, लेकिन वो अभी सर डर के हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और केस फाइल करो। सर लेकिन केस किसके नाम पे फाइल करें? इस डमरू को उठाना पड़ेगा, वो बारीपुर के अंदर ही मिलेगा। नहीं, जिसको बोलना है बोलो, जो करना है करो, हो सके तो अपने खबरी को एक्टिवेट करो गांव में, बट मुझे डमरू चाहिए अनिल। इज दैट क्लियर? जी सर, करते हैं। जय हिंद सर। हिम्मत रखो, ठीक है, थोड़ा हिम्मत रखो। साफ, बस 20,000 के लिए मार दिया मेरी पत्नी को साहब। रोज उसके आदमी फोन करते थे, हमेशा धमकी देते थे कि भैया के बाहर आते ही मुझे और मेरी पत्नी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन साहब आपने सोचा कि अभी तो 3 साल ही हुआ है, 4-5 साल बाद जब आएगा तो दे देंगे उसकी सुधी। लेकिन उस दिन तो आते ही मेरी बीवी के साथ। तुम थोड़ा हिम्मत रखो, ठीक है, केस हमने फाइल कर ही दिया है, देखा तुमने, ठीक है, डमरू जल्द ही हमारे हाथ लग जाएगा। हाँ, तुम उस आदमी को तैयार करो, ठीक है, विटनेस के लिए, पता है ना, ठीक है। भैया। हाँ बोलो। भैया मेरे सारे दोस्त स्कूल जाते हैं, मुझे भी जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है। देख मैं तुझे अकेले स्कूल नहीं छोड़ सकता,
भैया ऐसा कब तक आप मुझे हर जगह अपने साथ लेके जाते रहेंगे? उस बात को 3 साल हो गए हैं और हम लोग घर से बाहर तक नहीं गए हैं। तू क्या चाहती है? फिर से वही। अरे रहमान चाचा आइए आइए, कैसे हैं आप? बैठिए। कैसे हैं बताइए? बस जब तक चल रहा है चला रहे हैं, पता नहीं कब उसका बुलावा आ जाए। नहीं नहीं नहीं, आपको हमारी उम्र लग जाए चाचा। नहीं लगेगी। ऐसे क्यों बोल रहे हो चाचा? राणा कल जेल से रिहा हो गया। किसी एमएलए ने उसकी सजा माफ करवा दी है। 7 साल की सजा 3 साल में खत्म। सुन, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखना और कभी भी जरूरत पड़े तो वहीं आ जाना। रहमान चाचा, आप भी अपना ख्याल रखना। किधर चले गए थे? घर में सब्जी नहीं है, जाके लेके आओ वरना खाना नहीं मिलेगा आज। वो सब छोड़ो, पहले तुम अपनी आंखें बंद करो, कुछ लाया हूं तुम्हारे लिए। ना बाबा, पिछली बार ऐसे आंखें बंद की थी तो सबके सामने चुम्मी ले ली थी, मैं नहीं करूंगी। इस बार नहीं लूंगा, पक्का। पक्का? पक्का, तुम्हारी कसम। अच्छा, आंखें बंद रखना। खुली में भी तुम बोल सकते हो ना? नहीं नहीं, आंखें बंद रखो। देखो कितनी सुंदर है ना। सुंदर तो बहुत है, पर तुम्हें कैसे पता कि लड़की ही है? देखना लड़का ही होगा। नहीं नहीं, लड़की होगी और उसका नाम हम प्यार से गुड़िया रखेंगे। छाया, चावल खोल गया है। जी माँ, आई। तुम तब तक लड़के का नाम सोच लो। अच्छा, सोच लेंगे। देख लेना लड़का ही होगा। नहीं होगा, आराम से। लड़का हुआ तो भोला, हम भोला रखेंगे, बिल्कुल अपनी माँ पे जाएगा। और सुदर्शन बाबू, क्या हाल है? मन ही मन बहुत मुस्कुरा रहे हो। आज काम पे जाना नहीं हुआ क्या? अरे संजय, तुमने सुना क्या? वो जंगल में रजत की बीवी का लाश मिला है, इसीलिए कारखाना भी 2 दिन से बंद है। हाँ हाँ, पूरा गांव में तो इसी बात पे हल्ला है। मैंने तो ये भी सुना इन सब में राणा का हाथ है। राणा? ना ना, राणा का कहानी अब खत्म हो गया है, उसमें अब वो बात नहीं रही जो 3 साल पहले थी। भैया गलती हो गया, कहानी खत्म हो गई। नहीं भैया, गलती हो गई राणा भैया। 3 साल पहले वाली बात नहीं देख रही? नहीं भैया। अब ये खून की बूंदें पूरे गांव में बताएगी कि राणा का डर क्या होता है। गलती हो गई भैया। कर दीजिए, हम आपके पैसे सब लौटा देंगे। वो बीवी पेट से, इसलिए सब पैसे दवा पानी में खर्च हो गए। अब पूरा लौटा देंगे भैया, हमें माफ कर दीजिए।
बताया गल्लू, जब से राणा जेल गया था तब से लोगों को लगने लगा राणा के सारे पैसे हमारे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि राणा अपनी सांसें छोड़ सकता है लेकिन पैसे नहीं। भैया हमें सिर्फ 2 हफ्ते दे दीजिए, हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे सूदी के साथ। मादर चो। कितने महीने हुए? सात। दर्द होता है कभी कभी, थोड़ा या बहुत? थोड़ा थोड़ा। लेकिन मुझे बहुत दर्द होता है जब कोई मेरे लिए हुए पैसे वापस नहीं करता। 2 हफ्ता बस, उसके बाद इतने दर्द दूंगा कि दर्द बांटने वालों की कमी पड़ जाएगी। चल रहा गल्लू? जी भैया जी। मैं कैसे मना कर रहा हूँ, चिंता मत करो। सुनीता चाची मेरा बच्चा, सुनीता चाची उसको अस्पताल लेके जाना है। सुनीता चाची चाचा गिरी हुई है, रतन चाचा मेरा बच्चा मर जाएगा, रतन चाचा। मेरा बच्चा। अरे कल्लू, वो लड़की है, क्या खबर है रे? भैया वो तो बम हो गई है, बस आग लगाओ और बूम। बम नहीं रे, वो तो आलू बम हो गई है, उसे तो बस पटक के फोड़ना पड़ेगा। ये डमरू कहाँ है रे? अरे भैया उसका तो फोन ही बंद आ रहा है, साला पता नहीं कहाँ मरवा रहा है। भैया हमको पता है वो कहाँ है, अपने इलू के साथ में। इलू? ये इलू क्या है? अरे इलू का मतलब आई लव यू भैया, वो अपने आई लव यू के साथ गया होगा। भैंचोद आई लव यू तो बस रास्ता है, मंजिल तो ठोकना है। देखो रे, उसका चोद मंत्र खत्म हो जाए तो एमएलए के घर पे शाम में मीटिंग है। नहीं भैया, चलो। Thank you.